हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ ये मेरी बिना आयन की हुई टी शर्ट को इग्नोर कर लेना। तो आज मेरी छुट्टी, आज मेरी छुट्टी है। आज नहीं, इनफैक्ट 4 से 5 दिन जो है वो मेरी छुट्टी है। आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे सेट पे जो है वो लेपर्ड आ गया था, उसने वहाँ पे एक डॉग को अटैक किया है। तो उस वजह से यू नो सारी चीज़ें अभी जो फॉर्मेलिटीज़ जो चीज़ें वो होनी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, उस वजह से अभी हम वहाँ पे शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी शायद जो सुनने में आ रहा है उसका वहाँ पे रोज़ आना जाना है, तो 4-5 दिन जाएगा। तो उस वजह से मेरी छुट्टी है। तो जो 15 डेज मेरा जो ऑफ होने वाला था वो 4-5 दिन मुझे अभी मिल गया है, और फिर बाद में जो है वो मुझे मिलेगा। तो फिलहाल हम आज सेकंड फ्लोर पे आए हैं देखने के लिए कि भाई कहाँ तक काम पहुँचा है, क्या पहुँचा है। चीज़ें अभी बाकी हैं तो धीरे धीरे वो हो रही हैं, बट कोई नहीं, जब तक सब घर तो है ही हमारे पास। और आज छुट्टी है तो हम दोनों लेट उठे हैं, और आज कोई भी दीदी भी नहीं आई है, धर्म दादा भी नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। पापा का फ़ोन आ चुका है कि उनको रुहान से मिलना है, तो बस रुहान जो है वो रेडी हो चुका है, उसको भी नीचे लेके जा रहा हूँ। और फिर तुम्हारे भी नीचे? यस, रुहान पिछले 10 मिनट से रेडी है, और हम लोग टाइम पास कर रहे हैं कि पापा कब रेडी होंगे। तो मैं रुहान पापा रेडी या पापा इंट्रोडक्शन दे रही थी कि बेटा यू विल गेट यूज टू इट, पापा को बहुत टाइम लगता है, और फिर पापा को बहुत चीज़ें ढूंढने में टाइम लगता है, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर जाना है ना। कोई नहीं, चलो हम चलते हैं नीचे और पापा से रुहान को लेके चलते हैं पापा के पास। बेल्ट बांधे हो क्या? क्यों अंदर डालने? क्या अभी वॉक कर रहे हो? हाँ कर लो कर लो। क्या रे देव? तो बस अभी हम क्या करते हैं, अभी इसको पिलर लेके देखने में बैठा हूँ। तो अभी हम ये करते हैं कि जब सब आई थी मौदहा से, तो मौदहा से कुछ लोगों ने रुहान के लिए कुछ चीज़ें भेजी हैं, लाइक पुप्पी ने, बेटी खाला ने चीज़ें, तो वो हम देखते हैं क्या क्या भेजा। अभी मैंने भी नहीं देखा, यहाँ पे रखा हुआ है। अभी रुहान जो है वो सो रहा है अंदर, और उसके पास कौन बैठा है? सब लोग बैठे हुए थोड़ा उनके साथ वक्त दे देना चाहिए, है कि नहीं? रुहान के साथ थोड़ा सा उन्हें वक्त देना चाहिए, उनका अपना स्पेस। फिलहाल की फिलहाल वो सो रहा है अभी। क्या कर रहे हो? सब रुहान में लगे हैं, किसी के उठने का मन नहीं कर रहा, सारा काम पड़ा है उसके पीछे। रेहान कह रहा है सानू, कह रहा है पता करो कि मुझे भी ऐसे ही बैठ जाए। कैसा? ऐसा रेहान सो रहा है, मुझे भी सोना है काफी। तो हम ना एक काम करेंगे, हम एक मैट्रेस लेंगे, ऊपर से उसको बांध देंगे और नीचे से उसको बांध देंगे, ऊपर से एक ब्लैंकेट डाल देंगे, तो रेडी वैसे ही बेड बन जाएगा। ठीक है, ट्राई करेंगे। पापा से भी बोला है कि आओ मेरे लिए ऐसा मंगवा दो, मुझे भी सोना है। कोजी कोजी अपना पूरा बना के कर देंगे तुम्हारी। जल्दी बढ़ जाओ, फिर जिम जा, अपना हाथ दिखा रहा है, फिर जिम जाए जल्दी से। स्विमिंग भी साथ करेंगे, साइकिलिंग भी साथ करेंगे। इंशाल्लाह। रेहान बोल रहा है मुझे भी वैसा बैठ चाहिए, रोहन जैसा। हाँ आता है ना बड़ों का भी स्लीपिंग। हाँ वो अंदर पूरा बंद हो जाता है ना। मैंने कहा तो एक मैट्रेस लेंगे, ऊपर से बांध देंगे उसको, पीछे से बांध देंगे, ऊपर से एक ब्लैंकेट डाल देंगे, तो सेम हो जाएगा। है ला भाई, आज सब इब्राहिम के, सब के जहाँ के हाथों की चाय पी जाए। हाँ बहुत दिनों बाद। हाँ आई थिंक शादी के बाद, उसके बाद नहीं। हाँ उसके बाद से मौका ही नहीं मिला। मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ हैं बहुत। तो क्या लेके आई हो तुम? रुहान के लिए, आपके लिए, भाभी के लिए, मौदा से कुछ कुछ सामान दिया है पुप्पी ने, खाला ने, सनी की अम्मी ने। अच्छा तो दिखाती लाओ लाओ। रुहान जी बताओ। तो सबसे पहले तो ये तो का पुप्पी, देखो उन्होंने लिख के भी दिया है। अच्छा ये खोलो। तो ये कितने तो पुप्पी ने, जो हमारी पुप्पी है 4 है, उनमें से एक पुप्पी ने ये भेजा है, तो भैया तुम ही खोलो।
यही तो खुशी होती है, छोटी छोटी चीजें तो अच्छे से बनाना। क्या ये कपड़े? हाँ, तो ये दो टी शर्ट आपके लिए है। अच्छा अरे वाह, तेरे वास्ते कुछ और। ओहो ये ये सच में छोटू नाम लिखा है। चलो अच्छा पहले लिखा होगा, उन्होंने को पता नहीं था पहले। हाँ हाँ ओहो अरे वाह नाइस, सो क्यूट। मुझे इसका नहीं पता था, बहुत प्यारा है। कह रही थी कि शानू को बोलना देखे, ध्यान से खोल के देखे। अरे वाह, भाई कैसे जब देखती है ना तो भाई हमेशा बोलता है तेरे वास्ते कुछ। हाँ तो इसीलिए उन्होंने दिया। वो आपके शो की बहुत बड़ी फैन है, कभी नहीं, और रोते भी है। उनकी बहू बताई थी जब भी मारने का सीन आएगा तो वो फिर रोने लगेंगी, पुप्पी ये जरूर मैं जल्दी पहनूंगा मैं, ठीक है। और उससे और अभी वो कह रही थी कि एक बार हो सके तो अजूली में भी पहन लेना। अच्छा अरे मैं पहन सकता था, छोटू लिखा है ना, मतलब बोलता कि मुझे किसी चीज में पहनना है तो बस कुछ भी, बट अपने छोटू लिखा है, कोई नहीं मैं उसको पहनूंगा। और ये है छोटू के लिए, ए रूहान के लिए चुप रहो बस। प्यार से छोटू लिखा है तो इसलिए बोल दिया। दो तीन महीने बाद। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अच्छा है ना फिर आगे के लिए। ये तो हमारे घर के सबसे अच्छे, मतलब ये रेहान सानू बचपन में बहुत पहने ये ऐसे ना, ऐसे कपड़े अम्मी यही तो पहनाते थे, यही तो पहनाते थे। वो भी देखो यही लाई है, देखो बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट है। तो ये चूड़ियां है जो पुप्पी ने दी है, क्योंकि मारा में जब बेबी होते हैं ना तो फिर मम्मी लोग ऐसी चूड़ियां पहनती अच्छा। है तो अभी आप साइज चेक कर लो अपने हाथ से, ऐसे कर नहीं सही है सही। वो थोड़ा सा हाथ भी ड्राई है। नाइस, ये पुप्पी मैंने पहन ली। अच्छी बहुत प्यारी, मम्मी आपके लिए भी है। चलो ना भी पहन लो, और ये भी है भाई, ये है रूहान के लिए। ओ ये अच्छा, वो छोटे वो हाथ में पहनने के लिए। ये भी हाथ गले के लिए क्या? हाँ, ये बच्चों को ना चांद बनाया जाता है मधा में। तोहफा पप्पी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे तोहफे हैं आपके आपकी तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जल्दी मैं इसको रूहान को भी पहनाऊंगा, दीपिका ने तो पहन लिए, और वो टी शर्ट भी जल्दी पहनूंगा मैं तेरे वास्ते कुछ भी छोटू। हमने भी पहन लिए, भेजेंगे पहन लिए। और ये वाले कपड़े और ये गिफ्ट रूहान के लिए बेटी खाले की तरह हमारी बेटी खाले बताओ। इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे 15 दिनों में, थोड़ा सा उनके घुटने का ट्रीटमेंट करना। ये उसने ऐसे वाले बनवाए ताकि उसको ये सब हाथ में पहन, ये हाथ में है ना, हाथ में पहनने के लिए काली चीज से नजर आ जाती है। अब ये बेटी खाला खुद ही बनाएगी थोड़ा बड़ा पड़ेगा। टोपी देखो, टोपी और वो हाथ का भी, हाथ का पैर का पता नहीं, पैर का होगा, हाथ का होगा, पता नहीं। हाँ आजकल मिटन्स आने लगे हैं, पता नहीं जिसमें आ जाए। टोपी क्यूट है पर इस वक्त तो उसके पूरे पैर भाई थोड़े टाइम में आएगा, सब सब आएगा पर थोड़े टाइम, अभी सब आएंगे पहनेंगे थोड़े टाइम के बाद। ये सनी की अम्मी ने भेजे है जो हाथ के लिए, और ये पैसे उसको मुझे करते हैं, ये कंटिन्यूटी तुम लोगों की शादी से चलती आ रही है, तब भी नहीं लिए थे, तब को लिए थे मैंने, नहीं आप सबके कलेक्ट करके वो जो खड़ी थी ना लेने के लिए उसको देते रहते थे। अभी ना छोटे से रूहान का एक बैग बना देना, बड़े देखो 1800 रुपये देना।
यहाँ ये छोटा है, ये आ जाएगा ना, ये तुमने बताया होगा ना कि हाँ इतना साइज ले लो, क्योंकि ये अब तक मुझे परफेक्ट साइज यही लग रहा है, हाँ ये आ जाएगा, जीरो नंबर वाले होते हैं, हाँ ये इसके साथ शॉर्ट्स हैं और ये विद स्लीव्स है, बताओ कैसे बस बदल जाता है, अभी कुछ कुछ महीनों पहले अपने कपड़े दिखाया करते थे, ये शॉपिंग है, ये शॉपिंग है, शॉपिंग है, अभी देखो ये आप तो सिर्फ रंग के सब कुछ आएगा, अब तक तुम्हारा जमाना गया, ये सब जो है आई थिंक ये सबसे ज्यादा उसको आ जाएगा, तो ये अभी उसको हम इंशाल्लाह पहनाएंगे, जल्दी पहनाएंगे उसको, और आप कब आ रहे हो, आप जल्दी आओ और सामने से मिलो और सामने से उसे ढेर सारा प्यार करो, तो दुआएं दो, वो कह रही थी कि जैसे घर आएगा इंशाल्लाह तो मैं आऊंगी, फिर देखने पूछती रहती कैसा है, गोद में लिया उसे, आओ जल्दी आओ आप और फिर देखो भी, प्यार भी दो, दुआएं भी दो, और जब तक इसको हम ये तो पहना ही देंगे। रात को 1 बज रहा है यहाँ पे और मैं दीपिका से हम दोनों यही बात कर रहे हैं, दीपिका अभी वन मंथ, आज हम इत्तेफाक से हम यही बात कर रहे थे कि शेट अभी 1 बजा है, इस टाइम ट्रेन से लौट रहे थे एंड देन फिर कैसे क्या, और देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये सब यहाँ पे पापा भी देव भैया सब यहाँ पे आके रेडी, ये क्या लिया अभी हम भाई बोल रहे थे 1 बजे हम यहाँ से लौट रहे थे उस टाइम पे, ये बच्चे लेके आए अब थोड़े दिन बाद खिलौने से खेलेगा ना, इसीलिए नहीं दबाओ भी और ये उसकी है ना, हाँ वो बच्चों के लिए आप दो अम्मी तुम बस भाई तुमसे मांगे तो मिल जाएगा, मुझसे मांगे तो दे देती ना, दे दो जी सबके तरफ से, लेकिन रिजा को ना वो एलिफेंट बोल रही थी देने ही है, वही तो उसको तो देख के कदर की याद आ गई, हाँ जी रुहान की अम्मी 1 महीना हो गया आज, कल रात में किस तरीके से सरप्राइज कर दिया सब और सब घर वालों ने, मतलब हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम तो क्या ठीक है, हाँ 1 महीना हो गया है लेकिन ऐसे सेलिब्रेट करने का, बट सबा बुआ बन के थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड है, बड़ा ही क्यूट लगा सबसे, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला पापा सबसे पहले सामने कर दिया, पापा आप देख हो गया 1 महीना, रुहान सो रहा है 12 बज के, ठीक है, बट सच में यार किस तरीके से आज के दिन याद है वो 21st, कितना वो टेंशन भरी, मतलब 2-3 दिन स्टार्टिंग है जो टेंशन भरे थे, पर कोई नहीं जैसे तैसे करते हुए 1 महीना बीत गया और अभी सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, रुहान भी अच्छा है, दिल कैसे आँखें खोल रहा भी नहीं, हाँ तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तो बस ये था व्लॉग और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं कि और ब्लॉग डाल सकूँ छुट्टियों में, जब तक अभी मैं घर पे हूँ यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा टाइम मतलब टाइम है पर पता नहीं वो ऐसे तो 24 घंटे इसके साथ ही बैठा रहता है बस, ऐसे इसी को देखते हैं, ब्लॉग बन नहीं पा रहे हैं शायद क्योंकि अभी पता नहीं, तो हाँ बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके या तो मैं या तो दीपिका जो है वो डाल सके, सब तो आपके लिए डालती रहती है, तो उसके ब्लॉग जब तक आप देखते रहिए, बस जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में और ऐसे ही रुहान को दुआओं में याद रखिए,
इंशाल्लाह उसकी अच्छी सेहत के लिए, बस उसके वेल बीइंग के लिए, जैसे अब तक आप लोगों ने बहुत प्रे किया है वैसे। और आज ऐसे ही जब अभी ये लेटा हुआ था तो मैंने इसके डॉक्टर्स को जो है इसकी फोटो भेजी है और एक थैंक यू बोला है। जो सिस्टर्स थी NICU की, उनका नंबर मेरे पास नहीं है वरना मैं उनको भी ज़रूर भेजती, क्योंकि जो भी है वो एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं इसकी जर्नी का इस फर्स्ट मंथ की जर्नी का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा रहे हैं। और वो सिस्टर्स ने तो बाकायदा सिर्फ इसे ही नहीं, वहाँ की सारे बेबीज़ को वो लोग ऐसे एकदम बच्चों की तरह देखते थे। सो अगर आप में से कोई भी देख रहा है तो दिल से एक बार फिर से थैंक यू आप सब लोगों को। तो बस जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी हो करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पर उसको प्यार उनकी रिस्पेक्ट उनकी केयर कीजिए, उनका वक्त बिताइए। रूहान को अपनी दुआओं में याद रखिए और सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।